एमपी के भिंड में आचार संहिता के उल्लंघन के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और इसी कड़ी में कांग्रेस के डिंडोरी विधायक के तरफ से बांटे गए पानी के टैंकर इस समय सुर्खियां बटोर रहे हैं, क्योंकि आचार संहिता लागू होने के बाद भी टैंकर पर लिखे विधायक के नाम पद अभी तक कवर नहीं किए गए हैं और बड़ी संख्या में विधायक नाम के लिखे टैंकर शहर में खुलेआम दौड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक जिला प्रशासन ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया और ना ही कोई कार्रवाई की है। आप देखिए, ओमकार बारकाम नाम से ये टैंकर है जो शहर में खुलेआम चल रहे हैं और इस पर किसी की नज़र अभी तक नहीं गई है। वहीं इस मामले में बीजेपी ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है और कार्रवाई की मांग की है। जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा जो बैठक बुलाई गई थी उसमें साफ साफ हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा था कि जो सरकारी संस्थान या टैंकर वगैरह में जो फ्लैक्स कांग्रेस के विधायक ओमकार मरकाम के नाम वगैरह जो लिखी हैं या कांग्रेस का सिंबल लगा हुआ है इनको तत्काल हटाया जाए। मैं अभी खुद आवेदन दे के आया हूँ, मैं जिला निर्वाचन अधिकारी।